ओए होए होए, क्या स्वाद है यार। मतलब मुंह में पानी आ रहा है देख देख के, और मन कर रहा है कि बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो अगर खाया है सरसों का साग और मक्की की रोटी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं खाया तो आज के आज जाओ जल्दी से मार्केट और खरीद के लाओ पालक, सरसों, मेथी, धनिया, और बनाओ इस तरह से साग और टूट के खाओ यार, टूट के खाओ, बहुत अच्छा लगने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरह से मक्की की रोटी और सरसों का साग बनाती हूँ। तो देखो आज मेरी ना किचन पूरी भरी पड़ी है सामान से, एकदम से जो चल रहा है हमारा साग का काम। तो यहाँ पे ना ये सब डिफरेंट डिफरेंट साग है जो मैं कट कर रही हूँ। ये सरसों का साग है, ये मेथी, हाँ ये मेथी का साग है, और ये धनिया है, और यहाँ पर धनिया है, ये मेथी है। तो ये सब ना मैं दो तरह से बना रही हूँ। एक तो मैं नॉर्मल जो फ्राई करके बनाते हैं वो बनाऊंगी, और दूसरा मैं कुकर में जो सीटी करा के बनाते हैं वो बनाऊंगी। तो कुकर वाला तो हम 2-3 दिन खा सकते हैं, बट ये वाला जो है जो फ्राई करके बनाएंगे वो हम सिर्फ एक ही दिन में खा सकते हैं। तो चलिए आज मैं फ्राई वाला भी बनाऊंगी और दूसरा वाला भी बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक हरी मिर्च डाल लेती हूँ मैं, एक हरी मिर्च डाल लेती हूँ कुकर वाले में, और एक हरी मिर्च डाल लूंगी मैं नॉर्मल फ्राई करके बनाने वाले में। कुकर में हमने डाल दिया सरसों का साग और एक हरी मिर्च डाल दी है, और साथ में मैं यहाँ पर डाल दूंगी कुछ ये लहसुन की कलियां, और थोड़ा सा अदरक भी डालना है। साथ में मैं यहाँ पर डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया, साथ में डाल दूंगी थोड़ी सी मेथी। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा पालक डाल देंगे। तो ये चार चीजें हमारी हो गई हैं इसमें, पालक, धनिया, मेथी और सरसों, चार चीजें हो गई। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा चावल, लहसुन हमने पहले डाल दिया है, अब ये डाल दिया अदरक, ये डाल के अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें नमक, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और थोड़ा आधा ग्लास के करीब डाल दीजिए, और फिर ढक्कन लगा के ना इसको थोड़ा सा नीचे बैठने दो। जब ये थोड़ा नीचे बैठ जाएगा फिर इसको हम चलाएंगे और फिर सीटी लगवाएंगे। तो आ रही हूँ थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ, फिर उसके बाद सीटी करवाएंगे। अब ये हो गया थोड़ा सा सॉफ्ट, तो इसको अभी हम ना ये मिक्स कर लेते हैं ताकि चावल अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए। अब इसको सीटी लगवाएंगे जब तक ये पूरा सॉफ्ट ना हो जाए, मतलब ये मान के चलो कि 1 घंटे के लिए सिम फ्लेम पे इसको रहने देना है। इधर कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हींग। ये मैं बना रही हूँ फ्राई वाला, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हींग। हींग जैसे थोड़ी सी चटर जाए, पटर जाए, फिर उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा सा यहाँ करेंगे, उसके बाद डाल देंगे अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन डाल के बस इसको अब हम थोड़ा थोड़ा चला देंगे। डजेंट मैटर आप किसके साथ बना रहे हो, टेस्ट होना चाहिए खाने में। बस जैसे ही यहाँ पे ये थोड़ा सा भुन जाता है ना, इसको अच्छे से भून लेना, ब्राउन कर लेना लहसुन को, तभी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये थोड़ा सा जैसे ब्राउन हो जाएगा ना अच्छे से, फिर हम डाल देंगे इसमें अपनी हरी सब्जियां। फ्लेम हाई रखनी है, हाई फ्लेम पे ही इसको अच्छे से पकने देना है। जब आप इस स्टेज में पहुंचोगे ना, आहा, मतलब आपको खुशबू से ही लग जाएगा पता कि आपका जो सरसों का साग है वो कैसा बनने वाला है। तो दोनों तरीके के साग आप बहुत इजीली बना सकते हो, बस उसमें आपको बॉईल करना है अच्छे से। 1-1.5 घंटा बॉईल करने के बाद उसको मैश कर लेना है कुकर वाले, प्रेशर कुकर वाले में, और फिर उसके बाद सेम इसी तरह से तड़का लगाना है। थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा लहसुन अदरक, और थोड़ी सी और क्या डाला था मैंने, लहसुन अदरक हींग और हरी मिर्च। हरी मिर्च तो मैंने पहले डाल दी है उसमें, अगर आप तीखा खाते हो थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दीजिए, और बस उसके बाद उसको अच्छे से आपने बस चला देना है, और वो वाला साग आपका जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो ये वाला जो है इसको बस इस तरह से करने के बाद अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। शुरू में आपने फ्लेम हाई रखनी है क्योंकि पानी होता है इसमें, जब थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा तो फ्लेम कम कर लेनी है ताकि अच्छे से साग जो हमारा बने। लगा देते हैं ढक्कन को।
अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और इसमें डाल देते हैं अब सूखे मसाले थोड़े से। तो साग हमारा बहुत अच्छे से बन रहा है। थोड़ी सी हम यहाँ पे लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कढ़ाई के ऊपर गिर गया यार, और थोड़ा सा नमक। तो ये मसाले डालने के बाद अब इसको चला देंगे। तो कई लोग ना थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा साग पसंद करते हैं, ज्यादा पका हुआ नहीं पसंद करते हैं, तो वो लोग ना इस स्टेज पे भी खा सकते हैं। तो ये जूसी जूसी टाइप का साग है, ठीक है। कुछ लोग जूस मतलब इस तरह से थोड़ा सा पानी वाला साग पसंद करते हैं, तो इस स्टेज पे वो लोग खा सकते हैं, क्योंकि ये अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है जितना हमको खाने के लिए चाहिए होता है। अब उसके बाद कुछ लोग ना बिल्कुल मतलब पानी सुखा के और ऐसे ही खाना चाहते हैं, तो वो इस पानी को हाई फ्लेम पे सुखा दें तो भी खा लें, तो भी टेस्टी होता है। और कुछ लोग ना एकदम से भुर्जी बना के खाना पसंद करते हैं, तो वो इसको अच्छे से चला चला के इसको एकदम परफेक्ट पका लें, जब एकदम आपको लगे कि ऑयल निकल रहा है मतलब रिलीज हो रहा है, एकदम अच्छे से बन गया है, तब आप खा सकते हैं। उधर मेरे कुकर को भी सीटी होने लग पड़ी है। एक सीटी होने के बाद इसकी फ्लेम हम लो कर देंगे गैस की और इसको एक घंटे के लिए इसी तरह से पकने देंगे। सब्जियां लाई थी तो चलिए थोड़ा इनको भी धो के रख लेते हैं। तो जिस स्टेज पे साग मतलब खाने लायक है पूरा बन चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बस मुझे यहीं तक पकाना है। अगर आप थोड़ा भुर्जी टाइप बनाना चाहते हैं तो ये पूरा पक चुका है, इसको हाई फ्लेम पे आप पकाइए तो ये अच्छे से भुर्जी टाइप बन जाएगा। तो बस मैं अभी इसको फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और हमारा साग जो है वो रेडी हो गया। तो चलिए अब मक्की की रोटी बना लेते हैं जल्दी से। दुकान से ले लेंगे यार। मक्की दी रोटी दे सरसों दा साग नाले होवे प्यार अपना ते की वा वा वा। What baby? This is a toothbrush for you, mama. Okay. This is brush daily in morning. Oh, okay. I will do brush daily in morning. मेरी बेटी मुझे बोल रही है, मैंने वो मैं जिस सीट पे बैठी हूँ वो बैठ गई आगे, तो मैंने बोला कि यहाँ से उठो मेरे को खाना बनाना है। कहती नहीं, मैंने कहा मेरी पेट में दर्द हो रहा है उठो जल्दी। कहती आपके पेट में ना जर्म्स हैं इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं ब्रश लेके आ रही है, बोल रही है ब्रश करो फिर आपके पेट में जर्म्स नहीं जाएंगे। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो साग हमारा यहाँ अच्छे से हो गया है। वाह, ये देखिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया। अभी इसको ना आपने मैश कर लेना है, चावल ऊपर ऊपर है, इसको अच्छे से मैश कर लेना है। चावलों से ना साग का बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये मैंने मसल दिया इसको और साग हमारा बनने के लिए रेडी है। कुछ नहीं करना है, एक कढ़ाई के बीच में आपने डाल देना है अपना हींग, अदरक, लहसुन और बस ऊपर से डाल देना ये वाला साग,
और इसको पका के थोड़ा सा और फिर खा लो। अब हमारा तो आज का हो गया, ये देखिए बहुत अच्छे से ये साग बनता है। अब बस इसमें तड़का लगा के इसको खाना है बस, बाकी ये फिनिश हो चुका है, बन चुका है अच्छे से। सरसों का साग और साथ में देसी घी डाला है और मक्की की रोटी। और फ्रेंड्स मतलब मेरे को बात नहीं हो पा रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा टेस्ट है इसमें। तो एक टोडा यहाँ पे जो है वो अभी मैं सेक रही हूँ और दूसरा ये देखिए मैं खा रही हूँ, और अमेजिंग टेस्ट है। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, मेरा मन कर रहा है कि बस अभी मैं ब्लॉग खत्म करूँ और जल्दी से ये दो मक्की की रोटियाँ मैं चट करके खा जाऊँ। वेरी टेस्टी। और फ्रेंड्स ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, अगर नए हो या फिर पुराने भी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।